हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और हम ये दिया दीजिए, वेलकम टू माय चैनल। अच्छी, वाह कितनी सुंदर है ये। माता रानी ने दिया है प्रसाद दीपक, कितना सुंदर है। तो आज व्रत है हम लोगों का, अभी गुरुवार का, तो पूजा वूजा करके फ्री हैं, बैठे हैं। तो अभी बैठे थे हम लोग, पूजा उजा करके सोचे चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों से बात कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। सुबह का टाइम है अभी, आमले का च्यवनप्राश। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं अपने घर पे च्यवनप्राश। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को च्यवनप्राश की सामग्री। ये है सारी सामग्री। ये है आंवला 1 किलो, ये है काजू है 100 ग्राम, ये भी है 100 ग्राम, ये है खरबूजे का बीज और पम्पकिन सीड्स का बीज, ये दोनों बीज हैं। और इसमें काजू, वो बादाम और पिस्ता कटे हुए हैं, इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, एकदम महीन बारीक पीसेंगे। और ये खड़े मसाले हैं, ये सौंठ है, ये लौंग है, जावित्री और इलायची, ये तेज पत्ता और ये काली मिर्च है पीसी हुई, और ये इसमें है दालचीनी का पाउडर, तो इसको डालूंगी। और ये है गुड़ और शहद भी डालना है। तो अभी बनाते बनाते बताती जाऊंगी कि कब क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। अभी आपको सामग्री दिखा दी। और ये हाँ, ये है मूसली, इसका नाम भूल गई थी मैं, ये है मूसली। तो चलो अभी बनाते हैं फिर दिखाते हैं। ये बॉइल किया हुआ आंवला है, इसको पीस कर फिर बनाते हैं, और उसमें घी भी लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारे खड़े पिसे हुए मसाले जितने भी थे और जो मसाले हैं थे वो सारे हैं इसमें, और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हैं इसमें पिसे हुए। तो सबका पाउडर बन गया है और इसका पेस्ट बन गया है आंवले का। और इतना घी है, 250 ग्राम घी होगा, 250 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इसमें डाल देंगे आंवला का पेस्ट, जैसे हलवा जैसे जब हो जाए तो इसमें गुड़ डाल दें। 1 किलो आंवला है तो 1 किलो गुड़, तो फिर इसको मिलाकर फिर चलाते रहें जब तक आंवला गल जाता। और आंवले के साथ ये सब डालने के बाद ये सब मसाले भी डाल दें साथ में ही, और इसको घुलने तक पकाएं, और साथ में इसको भी ड्राई फ्रूट्स, तो ये सब डाल के और इसको पकाएं इसके साथ में अच्छा कलर आने तक। सो गाइस अब डाल देंगे इसमें शहद, क्योंकि सबसे लास्ट में शहद डालना चाहिए, उसके बाद नहीं पकाना है, बस शहद डालना है। और शहद डालने के बाद ये डाल देंगे केसर, और जिस ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जिसके पास हो तो डालें या नहीं हो तो मत डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस सब डन हो गया। सो गाइस बन चुका है च्यवनप्राश, ये देखिए कितना सुंदर होममेड च्यवनप्राश बना है, और कितना प्यारा है इसका कलर, एकदम बाजार जैसा है, देखिए एकदम शाइनी निकला हुआ है। इतना बड़ा डब्बे में भर के और रख दिए हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो घर का बना हुआ होम मेड च्यवनप्राश खाएं और स्वस्थ रहें, और
अपने घर परिवार बच्चों को भी खिलाए। सो गाइस हो गया है नाइट का टाइम, तो खाना वाना तो हो चुका है हमारा। हमारा तो पहले ही हो गया था क्योंकि इसमें है ना गुरुवार में दिन में ही खा लेते हैं, दिन के अंदर अंदर खा लेना होता है, तो हम लोग शाम को ही खा लिए थे खाना। 4-5 बजे थे, 4:30-5 इतने तक में खा लेते हैं, 6 बजे पहले पहले तो हम लोग खा लिए थे पहले ही। और इन बच्चों को और इनको तो फिर बनाई रोटी सब्जी तो अभी खाए हैं, तो अभी ये तो लगे हुए हैं गेम खेलने में। और सोने का टाइम तो अब इनको सुलाऊंगी बच्चों को, और ये चले गए खाना खा के वॉक करने के लिए, तो आएंगे तो जी जी। और मैं गई नहीं क्योंकि आज मेरा फास्ट था, इसलिए मैं नहीं गई। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, आज आप ही चले जाओ, तो मैं नहीं गई, वही चले गए। तो चलो गुड नाइट आप सबको भी, और हम इन बच्चों को भी सुलाते हैं, ये जो लेटे हैं एकदम गेम खेलने में मगन है मोबाइल में, तो इनका मोबाइल हम लेते हैं और सोने की सुलाने की कोशिश करते हैं। तो चलो गुड नाइट, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, और एकदम फ्री है दोस्तों, दबा दिया करो बेल आइकन, और सब्सक्राइब भी फ्री है, और लाइक सब कुछ फ्री रहता है। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, पैसा नहीं लगता है आप लोगों का एक भी, तो सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करो सब्सक्राइब के साथ में। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।